हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 10 एवरेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट 1 करवाने वाली हूं। तो चलिए पहले एवरेज का वर्कशीट 1 सॉल्व करने से पहले इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, आपको कुछ इसका रूल्स याद रखना है एवरेज निकालने का। कुछ क्या, एक ही रूल है बस, उसे आपको याद रखना है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों। टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उन सब का आपको एवरेज निकालना है। तो उसके लिए डिवाइड द सम ऑफ नंबर्स बाय द टोटल नंबर्स ऑफ एडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से आपको लिख के यहाँ दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज निकालने के लिए आपको सम ऑफ नंबर्स करने हैं, यानी कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 8, 10, 5, 15, कुछ भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सब का आपको यहाँ पे सम लिखना है। और टोटल कितने नंबर्स का आपने यहाँ पे सम किया वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ऊपर आपने 5 नंबर लिखे और उनको आपस में ऐड कर दिया है, तो 5 नंबर हैं तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो सिंपल वो आपका एवरेज रहेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी चैप्टर है बच्चों। तो आइए अब इसका हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 1 है कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो फिर हम इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे करके दिखाया गया है। फर्स्ट हमें इन सबको ऐड कर देना है, सम ऑफ नंबर्स। इन सबको जब आपस में हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, 110 आ गया। टोटल नंबर्स ऑफ एडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स मीन्स जो हमने जितने भी नंबर्स को ऐड किए वो कितने नंबर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स थे, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, हमें सम ऑफ नंबर को टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स से डिवाइड करना है। तो 1/10 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड किया हमने तो हमारा आ गया आंसर 22। तो 22 आपका आ गया, ये आपका एवरेज आ गया। उसी तरह से नंबर बी में इन सबको हमने ऐड कर दिया आपस में, तो हमारा 25 होता है ऐड करके। और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 है। अब हमें इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा सम ऑफ नंबर्स है 25, इससे को हमें 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 5। एवरेज हमारा हो जाएगा 5 आंसर। उसी तरह से इस नंबर को सबको ऐड करके हमारा 246 आया, और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं। अब इसे हमें इसको डिवाइड कर लेना है, 246 को डिवाइड करेंगे हम 6 से। तो देखिए यहाँ पे 6 × 6 और ये हमारा हो गया 6, 4 × 24 और 6 × 6 यानी कि आपका आंसर आ गया 41। तो एवरेज हो गया 41। अब ये देखिए ये 3 नंबर्स हैं, इनको आपस में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 आता है। और कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 है, यहाँ पे 3 लिखना है। अब इसे हमें 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 और 3, 3 × 9 और ये 0 हमारा यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा आंसर 30 आ गया। उसी तरह से इन नंबर्स को हमें ऐड किया तो 84 आया, और ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर से हैं। अब 84 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो देखिए यहाँ से हो गया 4, 2 × 8, 4, 1 × 4, इसका आंसर 21 आ गया। नेक्स्ट वाला में देखिए, अब इन सब नंबर को ऐड किया हमने तो 650 आ गया। कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर्स हैं हमारे। अब इसको चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 650 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 65। ये हमारा इन सब का एवरेज निकल के आ गया। इसी तरह से सॉल्व करना है बच्चों। आप देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ, अब इन सब को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेके ऐड करना है, तो क्योंकि देखिए सारे लाइक फ्रैक्शन है, सबका जो है सो नीचे में क्या है, सेम है, 10, 10, 10, तो इनका एलसीएम भी हमारा 10 ही हो जाएगा। और इन सबको ऐड कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपका ये क्या हो गया, 5, और ये दोनों 5 और 5, 15, 15 by 10 हो गया। अब टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा 15 by 10, अभी डिवाइड का साइन है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये 1/5 हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 3 = 15, हमारा आंसर क्या जाएगा, 3/10। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारा है,
वी डिवाइड 14 बाय, हम 14 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको किससे करेंगे, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 एंड 16. 8 और 16 का एवरेज निकालने के लिए हम 14 को किससे डिवाइड करेंगे, तो भाई 8 और 6 का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों दो नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14. अब 14 आ गया तो देखिए वही तो 14 है यहाँ पर. तो अब दो नंबर हैं, कितने नंबर हैं, दो नंबर 1 और 2, दो ही नंबर हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, 2 है. द एवरेज ऑफ 11 एंड 9, 11 और 9 का एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और दो नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे और कट करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा यहाँ पे आंसर. द एवरेज ऑफ 10, 100 एंड 1000 इज, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो इसके लिए पहले हम इन तीनों को का सम करेंगे, क्या 1000, 100 और 10. टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3 है, ये हमारा ऐड करके क्या आ गया 1110. देखिए 1110 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, आप 3 से डिवाइड करके देखिएगा, 3 जा 9 हो गया हमारा, 2 बच गया वहाँ, 37 जा 21 और 0 370, यहाँ पे आपका आंसर 370 होगा. ओके, वी डिवाइड टू फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 14 एंड 10. हम डिवाइड करेंगे किसको किससे, इन सब का एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे. इन सब का सम क्या हो जाता है, आप इस सब को सम करिए, तो इन सब का सम जब मैंने किया तो ये हो जाता है हमारा 30. तो हम 30 को डिवाइड करेंगे किससे, तो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 है ये, 5 से डिवाइड करेंगे. द एवरेज ऑफ 16 kg, 18 kg एंड 20 kg इज, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे और उसके बाद कितने नंबर हैं, 1, 2, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे. तो देखो बच्चों, इन तीनों का ऐड हमने किया तो यहाँ पे आ गया 54. ठीक है, अब 54 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1, 2, 3, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर से. 54 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है 3, 1 जा 3, 2 बच गया 24 हो गया, और 3, 8 जा 24, तो 18 आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पर 18 हो जाएगा. और इसके साथ ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.